देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए हैं। सीरम ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को ये वैक्सीन 250 रुपए में दी जा रही थी। राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपए होंगे और केंद्र को पहले की ही तरह ये वैक्सीन 150 रुपए में मिलती रहेगी। सीरम ने कहा है कि अगले 2 महीने में वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। अभी जितनी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है उसमें 50% वैक्सीन केंद्र के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भेजी जाती है। बची हुई 50% वैक्सीन राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को भेजी जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के बाद हम कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर रहे हैं। राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज की कीमत 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज की कीमत 600 रुपए होगी। उधर देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप ने संकट की इस घड़ी में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। टाटा ग्रुप लिक्विड ऑक्सीजन ले जाने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात करेगा और साथ ही देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद करेगा। टाटा ग्रुप के मुताबिक ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए चार्टर्ड उड़ानों के जरिए क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात किया जा रहा है। बता दें कि क्रायोजेनिक कंटेनर को लिक्विड सिलेंडर भी कहा जाता है। यह डबल वॉल्ड वैक्यूम वेसल्स होता है जिसे एनुलर स्पेस में मल्टीलेयर इंसुलिन होता है। इन्हें लिक्विफाइड गैस के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए खासतौर पर डिजाइन किया जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण के तहत वैक्सीन निर्माता अपनी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से हर महीने जारी डोज की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को देंगे और बाकी 50% आपूर्ति को वे राज्य सरकारों को और खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि वैक्सीन उत्पादकों को राज्य सरकारों को और खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली 50% आपूर्ति की कीमत 1 मई 2021 से पहले घोषित करनी होगी। इस कीमत के आधार पर राज्य सरकारें, निजी अस्पताल और अन्य लोग वैक्सीन निर्माताओं से डोज खरीद सकेंगे। वहीं हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन पहले की तरह सरकारी केंद्रों पर मुफ्त होगा। बता दें कि भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।